नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जिम्मेदारियों से तो कायर भागते हैं। सुरवी का विवाह एक बहुत बड़े घर में हुआ था। अभी 10 ही दिन हुए हैं, पति राहुल के साथ हनीमून बाली से कल लौटी थी। राहुल दो छोटे भाई और पिता व्यापार संभालते हैं। एक लाडली छोटी बहन है जो अभी हाई स्कूल में है। हर छोटे बड़े काम के लिए सेवक सेविकाएँ हैं सिवाय खाना बनाने के। अब सास ने धीरे धीरे खाना बनाने की जिम्मेदारी सुरभि पर छोड़ना शुरू कर दी। यूं तो सुरभि मध्यम वर्ग से थी पर हमेशा पढ़ाई में लगी रही और उसकी सुंदरता देख ग्रेजुएशन के बाद ही इतने बड़े घर से रिश्ता आ गया तो कभी जिम्मेदारी उठाने का अनुभव ना था। नौकरानी सब्जी काटने सामान पकड़ाने में मदद तो करती पर इतने लोगों का खाना, 3 टाइम बनाना, परोसना, आने जाने वाले के नाश्ते, खाने की व्यवस्था में वे बेहद थक और उब जाती। राहुल छुट्टी के दिन घुमाने भी ले जाता पर उसका मन उदास रहने लगा। एक धनी परिवार में विवाह होने से उसके सपने एक अलग ही जीवन के थे। अब उसे लगता उसके साथ धोखा हुआ है। उसका मन राहुल के साथ अलग रहने को बेचैन रहता जहाँ इतनी जिम्मेदारियाँ ना हो। छोटे भाई के जन्मदिन पर मायके जाते ही वो फट पड़े। माँ, आपने मेरे साथ धोखा किया। आपने कहा था तुम वहाँ राज करेगी पर मैं तो वहाँ नौकरानी हूँ। अब तो तभी वहाँ जाऊँगी जब राहुल अलग घर ले लेंगे। माँ ने शांति से उसे समझाया, ठीक है जैसा तुम चाहो। अलग रहने से तुम आज़ाद रहोगी, जिम्मेदारियाँ भी कम होंगी पर कल तुम्हारे बच्चे होंगे तब भी तो काम बढ़ेगा। क्या राहुल परिवार से दूर होकर खुश रहेगा? तुम्हारी अभी शादी हुई है, अपने रिश्तों को संवारो। जिम्मेदारियों से तो कायर भागते हैं। भविष्य में तुम्हारे बच्चे होंगे, अगर वो तुमसे दूर जाने लगे तो तुम्हें बोझ समझे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये धोखा नहीं, एक परीक्षा है, इसमें उत्तीर्ण हो जाओ। सुरवी के मन से सारे जाले हट गए। वे मुस्करा कर माँ के गले लग गई और कहा कि अब से मैं अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाऊंगी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली है कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।